अभी हाल फिलहाल मैं कर रहा हूँ वही लस्सी। देखो यार, कंट्रोल काफी बिगड़ चुका है पूरी तरह से। A few moments तो later. काफी ज्यादा इसे टर्न करना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे नाम है राजवीर राजपुरोहित और आज हम खेलने वाले हैं फिर से बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का एक और इंडियन बस मोड। तो ये है KSRTC आज़ाद बिल्ड बस मोड और ये जो है NEWKRTC है। ओके, आई होप मैं सही कह रहा हूँ। और आपको तीन चार मोड मिलते हैं इस सारे कॉम्बो में, टोटल पांच है, 5-in-1 आई थिंक। अलग अलग मोड आपको देखने को मिलते हैं, टेम्पलेट देखने को मिलते हैं सभी मोड के। तो ये मोड कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हो नए तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये जो तीन मेन मोड है उनमें से कौन सा मोड ज़्यादा पसंद आता है और साथ ही साथ किसी एक मोड का स्पेसिफिक चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद आया, जैसे इंटीरियर है या फिर आउटर लुक है और या फिर कंट्रोल या ब्रेकिंग सिस्टम, तो आप कमेंट करके बताइए ताकि यार आपके रिएक्शन भी मुझे पता चले इस मोड के बारे में। हाल फिलहाल हम जो है इस सिटी से निकलना चाहते हैं क्योंकि बाकी काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगी पड़ी है और काफ़ी हाई ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये जो है गाड़ी एकदम मस्त सुमड़ी से निकल जा रही है और इसे वेट करने की आदत वैसे भी नहीं है क्योंकि हम KSRTC ड्राइवर है भाई। वो बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, वरना अभी मीम बन जाते। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटीरियर की दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और हाई क्वालिटी इंटीरियर आपको देखने को मिलता है इसमें। वैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पर इस पर जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का सिस्टम वहाँ पर करना चाहिए था। डैशबोर्ड पर थोड़ा बहुत काम अगर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर हाई क्वालिटी इंटीरियर देखने को मिलता है जो मुझे इस मोड का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। अरे यार, आपको क्या लगता है कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगा? ज़रूर कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल की, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और ब्रेकिंग सिस्टम देखना है तो ये ही देख लो, ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो इस बस मोड में देखने को मिलता है, अशोक लेलैंड KSRTC बस। और बस यार मैंने ठोक दी, क्या ही बताया यार। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया वाला इंटीरियर देखने को मिलता है जो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हाल फिलहाल हमें लगता है कि हमें काफ़ी स्मूथली और काफ़ी स्पीड में ये बस जो है रुक गई। ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको देखने को मिलती है इसमें। आउटर लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दो आपको एक गेट देखने को मिलता है, दो नहीं, अरे ठोक दी मैंने फिर से। तो कुछ इस तरह का गेट सिस्टम देखने को मिलता है और जैसे गेट ओपन होगा लाइट चालू होगी, ऐसा कुछ है मुझे लगता है। ओ ये देखो, कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें आती रहती हैं यहाँ पर। ये एक अच्छी चीज़ है जो एकदम एकदम ज़्यादा ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती और ये थोड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है जहाँ पर आप डोर ओपन करते हो तो लाइट जैसा कुछ ऑन होता है। वैसे यहाँ पर लाइट जो है मुझे नहीं लगी कि यहाँ पर जो है इंटीरियर में दी गई है, बाय द वे कोई बात नहीं, वो भी सही है। चलो करते हैं ओवरटेक क्योंकि अब समय हो चुका है धमाल मचाने का। ओके, तो अब हम स्पीड की बात कर ले तो अभी हाल फिलहाल मेरी स्पीड चल रही है करीब 200 की और जो कंट्रोल में नहीं रह रही है, और अब यहाँ पर जो टर्न आने वाला है ना उसको थोड़ा संभाल के मुझे खेलना होगा। 230 की स्पीड फिर से पहुँच चुकी है, मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर मैं कई बार ठोक चुका हूँ।
तो करीब करीब 240 के ऊपर जा रही है, और स्पीड के बाद भी कंट्रोल ठीक ठाक रह रहा है। इतना ज़्यादा बिगड़ नहीं रहा है कि अचानक से आप ठोक देंगे, इतना ज़्यादा तो नहीं बिगड़ रहा, पर हाँ फिर भी एक बार ओवर स्पीड होने के बाद कंट्रोल में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, जो अमूमन आपको देखने को मिलती है। और ये रोड भी ऐसा है ना, जहाँ पर मैंने ठोक दिया, फाइनली फाइनली मैंने अब ठोकी भी नहीं, अब तो फंसा ही ली पूरी। तो मतलब यार सही चीज़ बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोड है, 240 के ऊपर की स्पीड है। मैं और मतलब ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन यार ये रोड उस चीज़ को करने नहीं दे रहा, क्योंकि काफ़ी ढलान वाले रोड है। अरे भैया अभी ठोक देते आपको, बच गए। सो काफ़ी यार ढलान वाले रूट है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी तरह से मतलब यार एक अनबिलीवेबल मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं कर रहा हूँ वही, लस्सी। देखो यार कंट्रोल काफ़ी बिगड़ चुका है पूरी तरह से। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसे टर्न करना पड़ रहा है, गया। बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तम तो, अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। सेट, देखा लापरवाही का नतीजा। तो दोस्तों यार इसी वजह से कहते हैं स्लो चलाइए, आपको हमेशा स्लो चलानी चाहिए। और यार अगर नहीं चलाओगे तो कुछ ऐसा होगा, पूरी तरह से फिट हो चुकी है, अब इसे निकालना मतलब मुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ही अंदर, हम बात कर लेते हैं इसके एनिमेशन की, कि तो नंबर वन एनिमेशन की कुछ इस तरह देखने को मिलता है। नंबर टू एनिमेशन की आपका इमरजेंसी गेट से आप निकलो फटाफट, यार यहाँ से अभी पानी बहुत आ रहा है। और नंबर थ्री एनिमेशन की आपका विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाता है। सो ये सारे सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर होना है तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।